तो हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में रिएक्ट करेंगे अक्षय कुमार की एक और अपकमिंग मूवी के टीजर के ऊपर। और भाई, मूवी का नाम है OMG 2, जिसको लोग बड़े बेसब्री से वेट कर रहे थे। तो गाइस, ये जो मूवी है ना, ये 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है। और आप सबको जैसे कि पता ही है कि 11 अगस्त को गदर 2 भी रिलीज होने वाली है। तो फिलहाल तो OMG 2 का टीजर आया है, तो अभी चलते हैं हम स्क्रीन पे और करते हैं इस टीजर पे रिएक्ट। ओके, चलो शुरू करते हैं। 1, 2 और ईश्वर है या नहीं, इसका प्रमाण इंसान आस्तिक या नास्तिक होकर दे सकता है, पर भगवान अपने बनाए हुए बंदों में कभी भेद नहीं करता। पहले वाली, फिर चाहे वो नास्तिक कांजीलाल मेहता हो या फिर आस्तिक कांति शरण मुद्गल। और तकलीफ में लगाई हुई पुकार उसे हमेशा अपने बंदों तक खींच ही लाती है। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। रख विश्वास, तू है शिव का दास। हर, हर। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महाकाल का। जिसकी रक्षा के लिए जो चाल बदल दे काल का, कोई उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो। कैसा लगा आपको टीजर? कैसा लगा? समझ सी नहीं आई। ठीक है, अच्छा, तो भाई पहले में नास्तिक को दिखाया गया, वो स्टोरी मुझे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगी थी एज कम्पेयर टू दिस। मतलब इसमें उसमें वो पहले वाले में नास्तिक था और इसमें शायद से आस्तिक है ये। उसमें मतलब उसमें ये शिव का भगत है, तो इसमें क्या है अब इसमें भी शायद इसमें देखो कोर्ट कट गया, कोर्ट में ही जा रहे हैं, पर किस लिए जा रहे हैं वो तो हमें पता। देखो यार, अगर झूठ बोलो तो अच्छा है, अगर अपना सच्चा रियल ओपिनियन दो तो मुझे तो पर्सनली टीजर इतना खास कुछ पसंद आया नहीं। सिर्फ एक चीज को छोड़ के मुझे एक चीज जो सबसे बढ़िया लगी, जो BGM में हर हर महादेव है ना, वो उससे बढ़िया तो मुझे इस पूरे टीजर में फिलहाल कुछ नहीं लगा। कुछ नहीं लगा मतलब सीरियसली बोलू तो एक हिसाब से उस BGM के अलावा हर हर महादेव, वो भी पावरफुल पावरफुल वॉइस में दिखाया गया ना, मतलब वही चीज महादेव खुद ही इतने पावरफुल लग रहा है। और मतलब की स्टोरी अभी तो टीजर ही आया यार, ऐसे हम जज नहीं कर सकते क्योंकि नहीं यार छोटी सी ये दिखाई, पर चलो पहली वाली स्टोरी अच्छी थी कि हाँ नास्तिक था, उसे विश्वास नहीं था तो उसे विश्वास दिलाने के लिए वो स्टोरी ठीक थी। अब ये आस्तिक है, ये फिर से कोर्ट में क्यों जा रहे हैं, क्यों इन्होंने वो तो अब शायद ट्रेलर में ही पता चलेगा। बेटा, इसका बेटा मरा है कि क्या हुआ? हाँ, शायद से मे भी कुछ हो सकता है, समथिंग बेटा मरा है तो शायद से उसके बाद क्या पता ये नास्तिक बन गया हो, क्या मैं शिव का इतना भक्त हूँ तो क्या पता ऐसा कुछ हो सकता है। मे भी कुछ अभी ट्रेलर आएगा, ये तो सिर्फ मेरी इमेजिनेशन है जो मुझे लग रहा है कि ऐसा। और बाकी देखो यार, सही बताऊं तो मुझे टीजर पर्सनली तो पसंद नहीं आया। OMG 2 देखो, जो पहली है ना वो बड़ी धांसू है यार, मतलब काफी अटैचमेंट है उस मूवी से क्योंकि उससे थोड़ा कम लगा ऐसे। चलो ठीक ही है, ये नहीं बोल सकते कि बड़ा खराब है, पर और एक और चीज मतलब हाँ अब तो चलो, और 11 अगस्त को तो भाई टक्कर है यार गदर 2 से, ऑब्वियस ही बात है। अगर इसका OMG 2 तो आप सबको क्या लगता है कि भाई OMG 2 या फिर गदर 2? भाई मेरे हिसाब से तो मैं तो चाहूंगा गदर 2 के साथ ही, क्योंकि गदर 2 का पलड़ा भारी है यार। तो क्योंकि उसके मेरे को पता भी है कि ऑडियंस को क्या पसंद है और क्या नहीं है, ठीक है, उसको कैसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है उन्होंने, उनको पता ही है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी खेलना स्टार्ट कर ही दिया है। तो यार उसका भी टीजर जल्दी से आने वाला है, फिर पता चल ही जाएगा कि भाई क्या सिस्टम है क्या नहीं है। तो फिलहाल तो भाई ये था OMG 2 का टीजर। तो आप सबको कैसा लगा ये टीजर, अपना असली ओपिनियन जरूर से देना कमेंट बॉक्स में कि भाई ये अक्षय कुमार सर की एक और ब्लॉकबस्टर है कि ना, एक और ब्लॉकबस्टर नहीं, ये एक और फ्लॉप है या फिर फाइनली एक ब्लॉकबस्टर है। मतलब थोड़ा उल्टा बोल दिया कि बड़े टाइम अक्षय कुमार सर की जहां से पीछे वीडियो मूवीज आ रही हैं, वैसी ये मूवी भी फ्लॉप जाएगी भाई या ब्लॉकबस्टर जाएगी। आप अपनी ओपिनियन हमारे साथ कमेंट्स में जरूर से
जाकर शेयर करें। तो बस आज की वीडियो इधर ही खत्म करते हैं, और अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दिया करो यार ठीक है। तो बस आपसे मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टाटा बाय बाय।